मैंने एरियल सर्वे कर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ संजय बंडी जी के साथ पूरी स्थिति देखी है। ऐसी बाढ़ पिछले 100 सालों में कभी नहीं आई। हमने खेत देखे, पैडी और चिली दोनों की फसल पूरी तरह से समाप्त हो गई है। जहां पैडी थी वहां पता नहीं चलता कि पहले पैडी लगाई हुई थी। जो खेत पानी में डूब गए वहां 100% क्रॉप डैमेज हुई है। ये दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है। केवल फसलों का नुकसान नहीं हुआ, हमारे जानवर मवेशी गाय बैल, कई जगह हमने मुर्गी देखी अभी फोटो एग्जीबिशन में, घरों का सामान, हमारे जितनी जरूरी चीजें थी घर की, क्योंकि पहली मंजिल तक पानी ऊपर आ गया था और इतनी तेजी से आया कि कोई सामान बचा नहीं पाया। मैं यहाँ के प्रशासन को और सरकार को भी, कोई राजनीति करने नहीं आए हम लोग, संकट के समय हम सब साथ हैं। इस समय हम केवल जनता के सेवक के रूप में आए हैं, किसानों की सहायता करने के लिए आए हैं, लेकिन जो बेहतर काम हो सकता था करने की कोशिश किया और उसके कारण इतनी बड़ी त्रासदी में कई जगह खेतों में दोनों तरफ रेत आ गई, बालू आ गई और खेत अब फसल कैसे पैदा करे किसान के सामने ये संकट आ गया। तात्कालिक संकट है, ये फसल नष्ट हो गई, कुछ बचा नहीं। मेरे किसान भाइयों की आंखों में आंसू है, लेकिन मैं ये कहने आया हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चिंतित हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी चिंतित हैं और इसलिए मुझे भेजा है, संजय बंडी जी भी आपके बीच में आए हैं, राज्य के हमारे उप मुख्यमंत्री और सीनियर मिनिस्टर तीन यहाँ बैठे हैं, हम सब मिलकर केंद्र सरकार हम मिलके किसान भाइयों आपको संकट से पार निकाल के ले जाएंगे, ऐसी रणनीति और योजना बनाएंगे। किसान भाइयों हमको दो तरह की योजना बनानी है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग तत्काल क्या किया जा सकता है और दूसरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कई योजनाओं का मैंने भी रिकॉर्ड देखा सर, तो जीरो जीरो खर्चा यहाँ दिखाया, जीरो, उसके कारण सेंट्रल फंड फिर जब जीरो खर्चा होगा तो मिलता नहीं है। अभी एक परिस्थिति पैदा हुई है, दूसरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें इतने हैवी लॉस के बाद किसान को फसल का बीमा का लाभ मिलता है, वो तेलंगाना में लागू ही नहीं की गई और इसलिए अब वो योजना भी हमारे पास अभी नहीं जिससे तत्काल हम मदद कर सकें। ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है कि ये तो डिजास्टर बहुत बड़ा है, इसका रास्ता निकालना है। लेकिन पिछली सरकार भी डिजास्टर से कम नहीं थी, पूरे प्रदेश की हालत इतनी खराब कर दी कि कई बार रास्ता निकलने में कठिनाई हो रही है। लेकिन मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, आपके साथ मिलके, संजय बंडी जी भी यहाँ पे हैं, किसानों के लिए हम रास्ता निकालेंगे, कैसे हम रास्ता खोजें ताकि इन योजनाओं का लाभ भी आपको ठीक से मिल पाए और इस संकट के समय केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को पूरा सहयोग कर सके। खेतों में जो रेत आ गई उसको हटाने के लिए कृषि विकास योजना और बाकी योजनाओं का कैसे लाभ दिया जा सकता है राज्य को, उसके बारे में भी हम विचार करेंगे और केंद्रीय टीम भी आके यहाँ पूरे नुकसान का जायजा लेगी और उसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार को हर आवश्यक सहायता करेगी।